शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से मुश्किलों में फंसी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशीन सिंह ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने आचार संहिता का बहाना बनाकर मीटिंग में आना छोड़ दिया है। दिल्ली में किसी भी आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। पुराने केस को उठाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। नेता आतिशी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी ने आरोप लगाया कि एलजी आए दिन केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी मंत्री और विधायक पद से राजकुमार आनंद का इस्तीफा और पार्टी छोड़ने को उसी षड्यंत्र का हिस्सा मान रही है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा को चेतावनी देती हूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना अवैध, असंवैधानिक और दिल्ली के लोगों के खिलाफ होगा। भाजपा को पता है कि चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भाजपा की हर संभव कोशिश के बाद भी आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। भाजपा दिल्ली में चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए ये साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए।